हेलो एवरीबॉडी, दिस दार अब्बास और आप सब देख रहे हैं गो हैश। वेल, टैलेंट तो बहुत कम लोगों के पास होता है, टैलेंट बहुतों के पास होता है, लेकिन प्लेटफॉर्म भी मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरे साथ एक ऐसे शख्सियत मेरे साथ फिलहाल वक्त दे रहे हैं जिनका नाम शम्स अब्रेस है, जिनके पास टैलेंट भी है और हाल ही में इंटरनेट से जो इन्हें प्लेटफॉर्म मिल चुका है वो इनके टैलेंट को और उभार रहा है। आपने देखा होगा शम्स आर्ट जो कि पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, इमेजेस बनाते हैं, जो कि इंटरनेट पर काफ़ी वायरल चल रहे हैं। लेकिन हमने इनकी एक प्रीवियस स्टडी की, हमने इनसे बात की, एक छोटी सी हमने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है जो कि बहुत जल्द अपलोड होने वाली है, कि वो किस बैकग्राउंड से आए हैं और कितनी मेहनत उन्हें लगी है और स्कूल लेवल पे उन्होंने क्या क्या काम किया है। शम्स, पहले तो मैं आपको हमारे चैनल पे स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। साथ साथ आपने इतने अलग अलग पोर्ट्रेट्स बना के हाल ही में लोगों को लग रहा है कि 4-5 महीने से आप बहुत ज़्यादा वायरल हुए, लेकिन हम बहुत पहले से आपको जानते हैं। थोड़ी इस शम्स आर्ट के बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं कि एग्जैक्टली है क्या ये। नहीं, बिल्कुल हाल ही से नहीं, बिल्कुल बचपन से ये शौक़ है मुझे, जैसे कि पोर्ट्रेट्स बनाना, ड्राइंग्स बनाना। स्कूल लेवल से मैंने काफ़ी सारे प्राइजेस, सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स लिए हैं और हैदराबाद में भी मैंने फर्स्ट अवार्ड मैंने लिया है। अब ये जो कॉन्सर्ट में आप लोग देख रहे हैं जो हाल ही में स्टार्ट हो गया है, क्योंकि पोर्ट्रेट्स तो बहुत नॉर्मली हो गया था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट, वीडियो कॉन्सेप्ट जो है ना, अब रिसेंटली स्टार्ट, जैसे कि COVID-19 से सबको लॉकडाउन की वजह से घर पे बैठना पड़ा, उस टाइम पे मैंने सोचा कि कुछ करना है अलग, तो उस टाइम पे ये ध्यान में आया, तो बिफोर 4 मंथ से मैंने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। यानी कि आप एक सॉफ्टवेयर लेके मोबाइल रख कर आप पोर्ट्रेट लाइव ड्रॉ करते हैं, कितनी देर लगती है आपको एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए? हाँ, पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए तकरीबन, जब मैंने स्टार्टिंग मैंने स्टार्ट किया उस टाइम पे मेरे को तकरीबन 1.5 घंटा सब कुछ लग रहा था। अच्छा, तो अभी भी हाथ तो आपको तो पता है जितना वर्क हाथ चलेगा तो ये इजी हो जाता, तो सबसे अभी मुझे एक पोर्ट्रेट के लिए नॉर्मल A4 साइज मुझे 45 मिनट्स लगता है। अच्छा। अगर नॉर्मल पोर्ट्रेट रहा तो हाफ एन आवर में भी हो जाता। हाँ, मेरे पास दो साइजेस है वीडियो के लिए, A3 और A4। A3 के लिए थोड़ा बड़ा रहता, उसके लिए मेरे को तकरीबन 2 घंटे तो लगते हैं आराम से। हाल ही में आपने देखा होगा कि सलमान खान की एक पोर्ट्रेट जो काफ़ी वायरल हो रही थी और हमें मुंबई से वगैरह वो फॉरवर्ड होकर आ रही थी, वो किसी और ने नहीं बनाई थी बल्कि हमारे गुलबर्गा के लड़के, हमारे शम्स अब्रेस ने वो बनाई थी। और मैं समझता हूँ मुंबई से भी काफ़ी आपको उसके बाद ऑर्डर्स मिले, हम सुनते हैं, और आप ये कोरियर भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को मुंबई से काफ़ी सारा रिस्पांस आया, हैदराबाद से रिस्पांस आया, और जैसा मैं कुरियर की जब बात करें, मैं ऑनलाइन से जो ना जितने भी है मैं ऑर्डर्स लेता हूँ। अच्छा। जैसे ही उसका ये होता है उसको फ्रेमिंग करके उसको जहाँ पर भी उनका जो बाय कुरियर या पोस्ट जो भी हो वहाँ तक उनको एज अ सेफ मैं उनको पहुँचा देता हूँ। और हमने देखा आपने बहुत ही एलिट पर्सनैलिटीज़, जो बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ हैं उनके आपने बनाए, तो आप ऑन डिमांड बनाते हैं या आपने खुशी से बनाते हैं लोगों के पोर्ट्रेट्स? नहीं नहीं, जितने भी मैंने पर्सनैलिटीज़ के बनाए हैं वो मेरे खुशी से बनाया है। अच्छा। हाँ, उनके थ्रू जो है ना मेरे को काफ़ी सारे कस्टमर्स जो है ना मुझे कनेक्ट हो गए हैं। आइए चलो आप अगली नज़र डालते हैं शम्स तब्रेज़ की जो गैलरी है, हम वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर उन्होंने किसी को कौन से तस्वीरें लगाए हैं और वहाँ पर भी हम कुछ बात करेंगे शम्स तब्रेज़ से। आइए देखते हैं, चलिए शम्स तब्रेज़। वैल, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम फिलहाल शम्स की आर्ट गैलरी पे आ गए। ये शम्स आर्ट है जो कि इन्होंने अपनी जो तस्वीर है उसको जो है लोगो जो है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से बनाए हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हैदराबाद के काफ़ी फेमस कॉमेडियन यहाँ पर हैं, और हमारे जो फॉर्मर जो SP हैं जो कि फ़िलहाल बैंगलोर के, शशि कुमार जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे डॉक्टर खुसरो हुसैनी साहब जो कि सजादा नशी हैं बारगाह बंदा नवाज के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और द बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, और ये ज्योति गौड़ा, और ये ज्योति गौड़ा मैडम जो कन्नड़ा एक्ट्रेस है, राइट। तो शम्स, ये गैलरी के अंदर वैसे तो बहुत सारे आपके हमने फ्रेम्स यहाँ पर देखे हैं जो कि फिलहाल आप डिस्प्ले में कम रखें। शम्स आर्ट के बारे में बताइए, शम्स आर्ट्स आप फिलहाल क्या कर रहे हैं? शम्स आर्ट्स में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट है, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था पेंसिल स्केच। अच्छा। नॉर्मली जो सा रफ स्केच बोलते हैं, रफ स्केच से मैंने रियलिस्टिक पे आ गया। अच्छा। हाँ। रियलिस्टिक पे जो है ना उस पर वर्क करना लगा, और साथ ही साथ जो है ना शेडिंग ड्राइंग आता अपने पास। अच्छा। शेडिंग ड्राइंग्स पे जो है ना उस पर वर्क दिया। अभी हाल ही में 1 वीक हो गया, तो हम सोचा कि ये तो पब्लिक तो इसका रिस्पॉन्स आ रहा है लेकिन कुछ अलग करना है। हाँ। तो रिसेंटली 1 वीक बैक हम कलर में स्टार्ट किया। अच्छा। हाँ, कलर में जो भी पोर्ट्रेट है हम कलर में स्टार्ट किया। एक वीडियो मैं पीछे प्ले करने वाला हूँ, वो एक सरप्राइज वीडियो है जो कि शम्स आर्ट्स की तरफ से मुझे गिफ्ट दिया गया था, दैट वीडियो भी अभी प्ले किया जाएगा, वो वीडियो आप देखें। आर्टिस्टिक कुछ रहेगा और उन्होंने कुछ लाया है और कहा कि हमारे लिए लाया है, तो लेट्स सी व्हाट ये है एग्जैक्टली।
तो टी शर्ट वगैरह भी एज इट इज कलर्स आप लाए हैं, दैट्स रियली अमेजिंग, यू नो वंडरफुल टैलेंट वी हैव हियर इन आवर सिटी गुलबर्गा। तो ये सरप्राइज वीडियो था जो कि शम्स आर्ट ने मुझे गिफ्ट दिया था, दैट्स रियली फैंटास्टिक। उन्होंने कलर पोर्ट्रेट बनाना शुरू कर दिया तो उसके अंदर हमारी भी उन्होंने एक फ़ोटो उन्होंने बनाई है। शम्स, इसके अलावा आप वॉल डिज़ाइनिंग भी करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे ऑडियंस। हाँ, बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट से पहले वॉल डिज़ाइनिंग का ही था, अभी वॉल डिज़ाइनिंग भी है लेकिन इसमें इतना टाइम मुझे स्पेंड करना पड़ रहा है कि वॉल डिज़ाइनिंग के लिए मुझे काफ़ी कम वक्त देना पड़ रहा है। वॉल डिज़ाइनिंग्स तो मेरे जितने भी जो अभी जो नया फ्यूचर जो घर बना रहे हैं आजकल, नए नए बिल्डिंग्स जो है अपने बेडरूम के लिए खास करके उन्होंने ख्वाहिश करते हैं वॉल डिज़ाइनिंग के लिए। जैसे कि हमारे सारे ऑडियंस को बताते हैं gohash.in पर अगर आप इस नंबर पर अगर आप जाकर बुक कर सकते हैं तो स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा आपको इनके पोर्ट्रेट्स पर, A3 और A4 साइज़ के बना रहे हैं विथ फ्रेम विदाउट फ्रेम, एंड उसका वीडियो बनाने के सारे चार्जेस जो है वो आपको ऑन कॉल ही दिए जाएंगे। तो आप फ़ोन कर दीजिए और स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उस पर कॉल करें ताकि आपको डायरेक्ट शम्स से बात हो जाए और आप भी अपने पोर्ट्रेट की रिक्वेस्ट करें। इनका फेसबुक पेज है शम्स आर्ट, ID भी इनकी है, इंस्टाग्राम पे भी वो हैं शम्स आर्ट्स के नाम से। तो प्लीज़ इन्हें आपका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत पहले से करते आ रहे हैं, नए लोग आएंगे जाएंगे लेकिन पुरानी इमारत अभी भी बरकरार है और नए टैलेंट के साथ नई टेक्नोलॉजी के साथ ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ही नीड्स योर सपोर्ट्स, सो प्लीज़ gohash.in पर जाएं और gohash.in का रेफरेंस आप लें तो इन्हें इनकी तरफ से आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। जो शुरुआत से हार्डवर्क करता है उसके अंदर एक सच्चाई अलग होती है, उसके अंदर एक चीज़ें छुपी हुई होती हैं जो वक्त के साथ ही बाहर आती हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो हमारे एक और डॉक्यूमेंट्री आ रही है जो शम्स आर्ट्स के बारे में हम बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए gohash.in पर। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे और उसे लाइक भी करें फेसबुक पे, अब हम इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी हैं, तो हमारे साथ बने रहिए gohash.in पर। थैंक यू सो मच।